हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका एसजी फार्मिंग चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी के अंदर कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करें, कौन कौन से फर्टिलाइज़र मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, क्या एक साथ चला सकते हैं, क्या अलग अलग चलाना है और कौन सा फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में चलाना है। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और भी एक समस्या आती है दोस्तों कि मतलब हम पौधे को देखकर कैसे पहचाने कि पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है या नहीं, तो इस विषय में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र कौन से स्टेज पर डालना चाहिए, क्रॉप की क्या स्टेज है और कब फर्टिलाइज़र डालना है, और कौन कौन से फर्टिलाइज़र किस तरीके से यूज़ करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र किस फर्टिलाइज़र के साथ यूज़ कर सकते हैं या कौन सा अलग से यूज़ करना है, और कौन कौन से फर्टिलाइज़र को कब कब देना है, कितना मतलब एक डोज से दूसरे डोज में कितना अंतर होना चाहिए और कौन सा फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में डालना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए चलते हैं फिर वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रॉबेरी के अंदर फर्टिलाइज़र कैसे चलाना है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर कितना चलाना है, कैसे चलाना है और क्या क्या मिक्स करके चला सकते हैं, क्या नहीं चला सकते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो ये हमारे पास लगभग आधे एकड़ में लगी हुई है स्ट्रॉबेरी, और इसके अंदर हम दो रोज के बाद, मतलब जैसे आज चलाया तब दो रोज छोड़ के फिर तीसरे दिन हम चलाएंगे फर्टिलाइज़र, इस तरीके का शेड्यूल बनाया हुआ है। और इसके अंदर हमने लगभग एक 1.5 किलो यूरिया लिया हुआ है। तो एक पंप में हम 1.5 किलो यूरिया घोल कर चलाते हैं, और ये आप देख सकते हो 1919 का घोल बनाया हुआ है। ये इस तरीके से 1 किलो का पैक एक बार में एक पंप के अंदर घोल कर चलाते हैं हम। तो अगर आधे एकड़ से ऊपर है, 1 एकड़ के आसपास है, तो भी आप 1 किलो के आसपास चला सकते हो, कोई ज़्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर 1 एकड़ के आसपास खेत है तो आपको लगभग यूरिया 2 से 2.5 किलो 3 किलो तक लेना है। और जैसे ही पौधों पर फ्लावरिंग अच्छे से पूरे पौधों पर स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप 1 किलो यूरिया, 1.5 किलो यूरिया और 0-52-34 करके फर्टिलाइज़र आता है वाटर सॉल्युबल, तो वो आप चला सकते हो। ये हमारा पंप का एक देसी जुगाड़ है जो कि इस तरीके से यहाँ से मेन पाइपलाइन में कनेक्टेड है, और यहाँ से बाकी मतलब स्ट्रॉबेरी के लाइन डली हुई है, और जो पानी आ रहा है वो उधर से कुएं के साइड से आ रहा है। तो ये फर्स्ट नली के अंदर हम फर्टिलाइज़र इन कर रहे हैं, जिससे कि ये पूरे प्लांट्स में आसानी से जा रहा है। और ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस हो चुकी है। ये हमने लगभग लगभग 20 अक्टूबर के आसपास ये पौधे लगाए थे। ये मुहूर्त के हुए पौधे हैं, हमारे पास मल्चिंग नहीं बिछी हुई थी और हमने ये मुहूर्त किया हुआ था, तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन हो गए हैं इनमें। देख सकते हो आप हल्की हल्की स्ट्रॉबेरी बनने लग गई है। ये आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ, ये इस तरीके से इनमें स्ट्रॉबेरी बनना स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी है इनकी। बाकी पौधे भी अच्छे से ग्रोइंग स्टेज में हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र चलाना है, तो ये जानकारी थी। आप इसके साथ ये आपको मैं माइक्रो न्यूट्रिन अगर दिखाना चाहूँ, तो हम ये एग्रोमिन मैक्स का माइक्रो न्यूट्रिन यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर ये आपको मैं दिखाना चाहूँ तो इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र की रहते हैं, तो इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनियम है, बोरोन है। तो इस तरीके से ये माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हम यूज़ कर रहे हैं। एक ह्यूमिक एसिड भी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ह्यूमिक एसिड तो अभी यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, क्योंकि वो पैकेट रखा हुआ है अभी घर पर, तो वो भी हम चलाते हैं। तो वो चलाते कैसे हैं, जैसे अलग अलग पंप बनाते हैं, एक में एक मिक्स नहीं करते, अपन दो तरीके से चला सकते हैं। जैसे एक बार यूरिया और
1919 चला दिया, उसके बाद हम डायरेक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट भी चला सकते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हमको 8 रोज या 10 रोज में एक बार चलाना रहता है, और ह्यूमिक एसिड भी हमको 8 या 10 रोज में एक बार चलाना रहता है। तो वो हम 1919 और यूरिया के साथ एक बार ह्यूमिक एसिड चला देते हैं 8 दिन में, और एक बार ये माइक्रोन्यूट्रिएंट चला देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया प्रोग्रेस रहती है। यह तो हो गया फर्टिलाइज़र डोज के बारे में बात। अब हम देखते हैं कि पौधों की ग्रोथ को हम किस तरीके से पहचाने, पौधे को देखकर उसको कैसे पहचाने कि कौन सा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पा रहा है या कौन सा पौधा अभी ग्रोथ में नहीं है और कौन सा पौधा अच्छे से फ्रूटिंग कर पाएगा। स्ट्रॉबेरी की ग्रोथ को कैसे पहचाने कि ग्रोथ अच्छे से हो रही है या फिर किसी चीज़ की कमी है उसके अंदर, तो यह आप एक प्लांट को देख सकते हो। ये हमने जिस तरीके से इसकी प्लांटिंग की थी उसमें से ये 2 लीफ थी, ये तीसरी लीफ से निकली है। ये कितनी स्वस्थ तरीके से निकली है आप देख सकते हो, इसका कलर देख सकते हो, इसका साइज़ देख सकते हो। अगर पौधों में पत्ती छोटी निकले, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँ, जैसे ये आप एक प्लांट देख सकते हो, ये हल्की प्लांट की ही मिस्टेक है क्योंकि इसमें जो भी लीव्स वगैरह निकल रही है वो काफ़ी छोटी छोटी निकल रही है और गुच्छे नुमा निकल रही है, वहीं के वहीं 4 से 5 पत्ती निकलने के बाद भी पौधा बहुत छोटा दिख रहा है। और ये एक आप पौधा देख सकते हो, इसकी जो ग्रोथ है ये आप लीफ से ही देख सकते हो, लीफ काफ़ी बढ़िया ही है। आप अगर साइज़ में दिखाना चाहो तो 3 इंची के आसपास इसकी जो लीफ का डायमीटर है ये 3 इंची के आसपास है। इसके फ्लावर का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर पौधे की ग्रोथ इस तरीके से अगर हो रही है तो पौधे में कुछ भी समस्या है। ये आप एक पौधा देख सकते हो, इसने अभी इसने अच्छे से ग्रोथ नहीं पकड़ी है। ये अगर ये इसकी जो एक नई लीफ जो निकल रही है इसको हम 2 दिन में निकलने देते हैं, इसकी ग्रोथ पता चलेगी कि किस तरीके से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो अगर पौधे इस तरीके से लीव्स निकाल रहे हैं, आप देख सकते हो 3 इंची का डायमीटर है इसके अंदर, ये अगर डायमीटर अगर प्लांट की लीफ दे रही है तो आपको इसमें साइज़ में फ्रूट भी बड़े आएंगे, लगभग 2 से 2.5 इंच लंबा फ्रूट आएगा, और उसका साइज़ भी मतलब उसका जो वेट एवरेज वेट रहेगा लगभग मतलब 20 से 25 ग्राम 30 ग्राम तक एक फ्रूट का वेट रहेगा। तो ये इस तरीके से हम पौधों को पहचान सकते हैं कि पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं। ये आप सभी पौधों को देख सकते हो, एक 3 इंची का डायमीटर बन रहा है। तो इस तरीके की अगर ग्रोथ आ रही है पौधों में तो समझ लो कि ये पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इस तरीके से अभी कोई सा प्लांट बचा है कि उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं आई है तो ये प्लांट शायद ख़त्म हो जाएगा, नहीं। इसमें जो लीफ बाहर निकलेगी उसका हम डायमीटर ही चेक कर सकते हैं, उससे फ्रूट के साइज़ का पता बिल्कुल लग जाएगा। ये जैसे एक प्लांट है, इसमें पौधे की जो लीफ का डायमीटर है लगभग 2 इंच के आसपास है, इसमें फ्लावर भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसका जो फ्रूट आएगा वो साइज़ में छोटा आएगा, मतलब लगभग इतना बड़ा ही फ्रूट आएगा, उसका साइज़ भी छोटा आएगा। और आप जो प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है जिसके लीफ का डायमीटर लगभग 3 इंच के आसपास है, उसमें फ्लावर भी अच्छे से बड़े आएंगे, फ्रूट का साइज़ भी अच्छे से आएगा, तो ये आप देख सकते हो इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम मतलब पौधे की ग्रोथ को देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से पौधों की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से प्लांट इस्टेब्लिश भी हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ आ रही है। आप देख सकते हो ये काफ़ी बढ़िया मतलब रिस्पॉन्स हो चुका है, काफ़ी अच्छे से प्लांट्स केरी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ आ रही है, ये आप देख सकते हो। तो आशा है आपको इस जानकारी से मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।